लाल हवेली वाले भाई साहब जो है एब्सोल्यूट सब एब्सोल्यूटली नॉट करने के बाद सर क्या हो गया वहां पे? बिस्मिल्लाह हमारे रही। देखिए एब्सोल्यूटली नॉट करने के बाद ये हुआ कि वो लोग जो हिंदुस्तान को अपनी अफगानिस्तान को अपनी बेस कैंप बना के हमारे पड़ोसी देश के लोग, अब आपका नाम लूंगा आपको गुस्सा आ जाएगा। आपने तो अपने इस शब्द को बड़ी बार बार दोहराया एब्सोल्यूटली नॉट। इस एब्सोल्यूटली नॉट का ये फायदा हुआ वो बेस कैंप जो 20 साल में बनाया गया था अफगानिस्तान को, ताकि पाकिस्तान को ना सुकून से रहने दिया जाए, ना पाकिस्तान के लोगों को अमन का ख्वाब देखने दिया जाए, अफगानिस्तान को भी गोला बारूद की बू से वहां उस बू को बढ़ाया जाए और इसी तरह पाकिस्तान को भी नुकसान पहुंचाया जाए। इस एब्सोल्यूटली नॉट का यह फायदा हुआ कि आज नेटवर्क वार्स, अमेरिकन अफवाज और वो तमाम लोग जो अशरफ गनी के दाएं बाएं, उसको अपना ब्लू आई कहते थे, उसको अपना बगल बच्चा कहते थे, उसको अपनी गोद में बिठाकर अपने इरादों की तकमील के ख्वाहिश बनते, वो सब लोग आज चीखो पुकार आहो बका कर रहे हैं। एब्सोल्यूटली नॉट का ये फायदा हुआ कि वो तमाम लोग जो ये समझते थे कि अफगानिस्तान में इस कठपुतली हुकूमत के जरिए अब अफगानिस्तान में बैठकर वो पूरे खित्ते को रूल करेंगे, यहां में मॉनिटर का किरदार अदा करेंगे या बॉस बन जाएंगे, सब उनके सबॉर्डिनेट होंगे। एब्सोल्यूटली नॉट का फायदा ये हुआ। जी कुरैशी साहब, आपने देखा कि पाकिस्तान ने जो कहा जी अमल किया। बिल्कुल बिल्कुल, अमेरिकन फौजों को अभी आपके बिल्कुल कुरैशी साहब, आप कुरैशी साहब मैंने आपकी बात सुन ली है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास भी जाता हूं, सर लिमिटेड टाइम है। कुरैशी साहब आपने जो बोला मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं 10 में से 10 नंबर आपको इसलिए देता हूं क्योंकि आपने अपने प्रधानमंत्री की जो दिफा में, जो डिफेंस में आपने बोला है, जोश में कमी नहीं है सर। हो सकता है लॉजिक में कमी हो सकता है तथ्यों में कमी हो सकता है फैक्ट्स में कमी हो, लेकिन जज्बात में कोई कमी नहीं है सर। आपने 5 बार